ऑर्गेनाइज भी निकाल रहे हैं बताशे। आंखों में नींद ज़्यादा है क्योंकि सुबह के 6 बज रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, तो ये खा जा रहे हैं बड़ के दूध में, बताशों में डाल भाई बरगद के पेड़ पर फल तोड़ते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मुजीद अब्बास और ये शब्बू फैजी। तो फिलहाल हम जा रहे हैं एक बड़ के पेड़ पर और फिलहाल टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6। वो आपको आज कल ज़बरदस्त ब्लॉग दिखाएंगे, बने रहे ब्लॉग। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं हॉस्टल पर और ये दोनों आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ मुझे उतरना पड़ गया है क्योंकि छोटा सा गेट है। और देख सकते हैं यहाँ पे दिखाएंगे आपको एक बड़ का पेड़, वो सामने देख रहे हैं आप, वो बड़ का पेड़ है। तो आज वहीं का व्लॉग है और ये देख सकते हैं दोनों तो पहुँच लिए शर्माते शर्माते। आप देख सकते हैं और ये लगा दिया है एक्टिवा स्टैंड में और चलते हैं बड़ के पेड़ के पास। और गाइस भी निकाल रहे हैं बताशे, आंखों में नींद ज़्यादा है क्योंकि सुबह के 6 बज रहे हैं। और ये देख सकते हैं इधर चल रहा है क्रिकेट, यहाँ बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल चुका हूँ मैं और बहुत मज़ा आया था, मतलब बहुत ही अच्छा खेले थे लोग। बाग ने कहा था भाई दूसरे विराट कोहली हो गया तुम। तो गाइस ये हैं बताशे और इनमें डाला जाता है दूध। ये देख सकते हैं शब्बू निकाल रहा है, ये मकौड़ा भी चल रहा है और फैजी उधर। तो गाइस ये शादीशुदा लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये देख सकते हैं आप, तो ये खा जा रहे हैं बड़ के दूध में, बताशों में डालकर बढ़ कर दूध पिया जा रहा है। आप देख सकते हैं फैजी ने खा लिया 25-30 बताशे। चलिए हम भी देखते हैं भाई बरगद के पेड़ पर फल तोड़ते हुए। फल आगे हो गए, बरगद का फल सूख गए। ये फल बहुत फायदेमंद होते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं शब्बू ने खा लिए हैं 15-20 बताशे, बस भाई बहुत हो गए और फैदी लगा पड़ा है अब तक। तो ये पूरा बड़ का पेड़ है ज़बरदस्त। गाइस देख सकते हैं कितनी बाइक है यहाँ पे पार्क हैं और इधर चल रहा है वॉलीबॉल, रुड़की हॉस्टल और ये पूरा बरगद का पेड़ जिसके लिए हम आए थे देख सकते हैं। और ये देखिए बम्बीरी उड़ रही हैं, दिख रही हैं आपको बम्बीरियाँ। और ये अब हमारे चलने की तैयारी। तो गाइस ये आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग था, हमारे साथ फैजी शब्बू और इन्हें घुमा रहे हैं हम रुड़की, बहुत मज़ा आया। ये फैजी का एक्टिवा है, इस पर लिखा है याली जमन, इसके बेटे का नाम लिखा है जमन, बहुत ज़बरदस्त। तो गाइस अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए बिना शर्माए लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।